मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं और अधिकारियों पर कोरोना को लेकर जारी नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने में दिया शिकायती आवेदन। दरअसल कल आगर के 6 कांग्रेस नेताओं पर पूर्व प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह की नुक्कड़ सभा करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी के चलते आज कांग्रेसी 14 जुलाई को मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुए हितग्राही सम्मेलन की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम में नियम विरुद्ध 5,000 लोग इकट्ठा करने और CM शिवराज पर आगर में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया और प्रकरण दर्ज करने की मांग की। कोतवाली थाना प्रभारी ने आवेदन की जाँच करने की बात कही। कोरोना के जो भी नियम है कोरोना 19 के, उस नियमों का पालन करते हुए कोई भी अपना लोगों से मिलते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उनके मुख्यमंत्री के दबाव में आगर के पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की जा रही है। हमारी मांग है कि जब आगर थाने से कोतवाली थाने के पीछे 100 मीटर दूरी पर 5,000 लोगों का शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस अधीक्षक कलेक्टर के द्वारा जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो सभी अधिकारियों के, शिवराज सिंह के और तमाम मंच पर उपस्थित नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? हम आज आगर थाने में थाना प्रभारी को आवेदन देने आए थे, FIR दर्ज कराने आए थे कि इस पे FIR दर्ज की जाए। हमारे पास पूरे साक्ष्य है, सबूत है, हमने पूरे फोटो उनको उपलब्ध कराए, हमने उनके वीडियो दिखाए और समय आने पर जो भी साक्ष्य में हमसे मांगे जाएंगे जांच में हम पूरी उपलब्ध कराएंगे और पूरी तरह के इस लड़े को लड़ेंगे, क्योंकि कानून सबके एक समान होना चाहिए। लोग आए थे आवेदन लेकर, क्या आवेदन है, वो क्या है मामला पूरा? अभी इन्होंने जो आवेदन दिया है उससे आवेदन में क्या मांग की उन्होंने, क्या है उनकी मांग? इन्होंने जो 14 जुलाई को आगर में सभा हुई थी, उस सभा को लेकर के एक आवेदन दिया है जिसमें हमने जांच किया है। कोई एक्शन उसमें भी हो रहा है? नहीं, अभी तो आवेदन देखे गए हैं।